आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल अट्रैक्शन इन द सिटी जो वन ऑफ अ काइंड है स्पेशली फॉर मुंबईकर्स एंड थानेकर्स एंड कवर करेंगे 10 इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स दैट यू शुड नो बिफोर विजिटिंग दिस न्यूली ओपनड ग्रैंड सेंट्रल पार्क। ये ग्रैंड सेंट्रल पार्क फरवरी 2024 में इनॉग्रेट किया गया है बाय हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे। सो लेट्स बिगिन विद द 10 पॉइंट्स दैट यू शुड नो अबाउट दिस प्लेस और 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन और आप यहाँ कैसे आ सकते हो। ये पार्क लोकेटेड है थाने के कोलशेट रोड पर। अगर आप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो थाने रेलवे स्टेशन उतर कर आप यहाँ से लोकल बसेस, ऑटो, शेयरिंग ऑटोज एंड कैब ले सकते हो। अगर आप अपनी प्राइवेट कार या ओला उबर से आ रहे हो तो आपको बस नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क ये आपके ऐप में सर्च करना है एंड यू विल बी ऑन योर वे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ के गूगल मैप्स का लोकेशन दिया है, यू कैन यूज दैट थिंग। पॉइंट नंबर 2, टिकट्स, प्राइसिंग एंड पार्किंग। वंस यू कम एट द एंट्री गेट यू हैव टू परचेज द टिकट्स हियर। ऑनलाइन टिकट्स अब तक अवेलेबल नहीं है, आपको यहीं आकर टिकट्स खरीदना पड़ेगा। The entry fee is ₹20 for adults on weekdays and ₹30 on weekends. बच्चे under 15 years of age के लिए entry free है and the ticket cost for senior citizens is ₹10 on all days. Senior citizens के लिए buggy service available है और ये आपको पूरी पार्क की सैर करवाएंगे and yeah, ये free of charge है। आप यहाँ पर एक monthly pass भी ले सकते हो that is available at a very affordable price. If you are bringing any type of cameras like DSLRs or GoPro, तो आपको ₹150 पे करना पड़ेगा। And drones are not allowed inside the park. एक बात है कि प्राइसिंग तो बहुत ही अफोर्डेबल रखी है ताकि everyone can enjoy the park. बस इसे आप सही तरीके से enjoy करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से यहाँ आते हो तो यू कैन पार्क योर कार एज वेल। यहाँ 3 फ्लोर्स ऑफ पार्किंग आर अवेलेबल। 4 व्हीलर्स की पार्किंग कॉस्ट ₹40 है एंड बाइक्स और स्कूटीज के लिए आपको ₹20 भरना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। इस पॉइंट पे ना जरा ध्यान देना। ग्रैंड सेंट्रल पार्क का करंटली काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है एंड एवरीवन इज स्टार्टिंग टू नो अबाउट इट एंड विजिट हियर। सो वीकेंड्स पर देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड कंपेयर्ड टू वीकडेज। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर वीकडेज पर आए। पार्क सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक ओपन रहती है और फिर दोपहर को 1 बजे पार्क फिर से खुलकर रात के 9 बजे तक ओपन रहती है। सुबह सुबह आना वुड बी द मोस्ट आइडियल टाइम टू कम। ज्यादा रश या लोग नहीं रहते एंड पार्क इज ऑल्सो क्वाइट पीसफुल। एंड यस, द पार्क इज क्लोज्ड ऑन मंडेज। मंडेज को पार्क कम्प्लीटली बंद रहता है। पॉइंट नंबर 4, 4 मेन सेक्शंस ऑफ ग्रैंड सेंट्रल पार्क। ये ग्रैंड सेंट्रल पार्क बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बनाया गया है। इसे बनाने में इंस्पिरेशन लिया गया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक द सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क, जबील पार्क इन दुबई एंड गार्डन्स बाय द बे इन सिंगापुर। द ग्रैंड सेंट्रल पार्क इन थाने इज स्प्रेड ओवर 20 acres ऑफ लैंड एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इन महाराष्ट्र। इसे पूरी तरह कवर करने आपको इजीली 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। द पार्क इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 मेन सेक्शंस: थीम गार्डन्स, लेक साइड, प्ले जोन एंड स्पोर्ट्स अरीना। हम एक एक करके ये सारे सेक्शन को डिटेल में देखेंगे, बट बिफोर दैट अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक जरूर देना एंड अपने कमेंट्स एंड थॉट्स जरूर लिखकर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 5, थीम गार्डन्स। ग्रैंड सेंट्रल पार्क के अंदर देयर आर 4 स्पेशली डिजाइन छोटे छोटे थीम गार्डन्स। ये बेसिकली शॉर्ट स्पेसेस है जहाँ आप फोटोज, सेल्फीज निकाल सकते हो एंड ऑल्सो एंजॉय अ क्वाइट पीसफुल टाइम। चाइनीज गार्डन के एंट्री पर यू विल सी द साइन जिसमें लिखा गया है पीस गार्डन इन द चाइनीज लैंग्वेज। ये काफी स्पेशियस है एंड आप यहाँ बैठकर रिलैक्स भी कर सकते हो। मुगल गार्डन में ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर्स हैं अलोंग विद द वाटर फाउंटेन्स एंड मोरक्कन गार्डन्स फीचर ब्राइट कलरफुल वॉल्स अलोंग विद क्राफ्टेड विंडोज एंड वाटर एलिमेंट्स टू। बट मुझे जो सबसे प्यारा लगा वॉज द जापानीज गार्डन। इन 4 गार्डन्स के साथ साथ
ये फ्लोरा ट्रेलिस अट्रैक्शन भी बहुत ही प्यारा है, especially to walk under these lights and click photos and videos. Point 6. Lakeside. Here you get to see the beautiful views of the lake and a gorgeous bridge jise viewing deck kaha gaya. Lake mein aapko colorful se butterflies and fountains nazar aayenge. Jiske paas mein ye badi si promenade hai jahan par aap baith kar apni shaam bita sakte ho. Lakeside wale section mein aap ek amphitheater aur stage bhi dekh sakte ho. हो सकता है फॉर फ्यूचर इवेंट्स और स्मॉल कॉन्सर्ट्स ये एम्फीथिएटर यूज करे. हियर यू कैन आल्सो सी दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो ये पार्क को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं. फ्रैंकली मुझे यहाँ पर स्पोर्ट करने का ज्यादा मन नहीं हो रहा, जस्ट यहाँ पर बैठ कर सनसेट हो रहा है करेंगे. आई जस्ट वांट टू एंजॉय दैट राइट. पॉइंट 7 प्ले जोन. ये बेसिकली एक प्ले एरिया फॉर किड्स है जो मुझे लगता है पूरे पार्क का सबसे पॉपुलर और क्राउडेड एरिया है. यहाँ बच्चों के लिए काफी ज्यादा खेलने के अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि स्लाइड्स, फ्लैश पैड्स, ये बड़ी और इंटरेस्टिंग सी मेज, जिप लाइंस एंड मोर. बच्चे ये स्पेशल सी ट्री हाउस में भी खेल सकते हैं जो कि बनाया गया है ऑन अ 70 ईयर ओल्ड बिग बैरियन ट्री. ये ट्री हाउस कंबाइंड है विद स्लाइड्स एंड स्मॉल एडवेंचर एक्टिविटीज. याद रहे ये सारे खेलने के एक्टिविटीज सिर्फ बच्चों के लिए है. हाँ, इन्हें देखकर मेरा भी मन हुआ टू गो ऑन इट बट आई वाज़न्ट अलाउड. पॉइंट 8 स्पोर्ट्स जोन. हियर इज वेयर द यूथ एंड द बिग बॉयज एंड गर्ल्स कम टू प्ले. यहाँ एक शानदार टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ एक बड़ी सी स्केट पार्क भी है. मुंबई में ना बहुत कम लोकेशन है वेयर यू विल फाइंड सच अ ह्यूज एंड ब्यूटीफुल स्केट पार्क. एक लोकेशन मुझे याद है जो बांद्रा में है एंड दिस इज द अदर वन. Unfortunately, आज यहाँ कोई स्केटिंग नहीं कर रहा. Otherwise, I would have loved to see some skating scenes over here. But the skate arena here is really nicely done. यहाँ का जो बास्केटबॉल कोर्ट है और टेनिस कोर्ट है दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं. बट यर अगर आपको खेलना है स्पेशली फॉर द टेनिस कोर्ट आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा. द बास्केटबॉल कोर्ट इज ओपन, यू कैन कम एंड प्ले. बट टेनिस के लिए यू गॉट बुक योर स्लॉट्स फर्स्ट एंड ये ना परफेक्ट है. यू कैन कम योर प्ले बॉल टेनिस और एनीथिंग लाइक दैट विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड टाइम. ऑल्सो इन दिस स्पोर्ट्स अरीना आप देखोगे एक फिटनेस स्टेशन and a wall climbing activity. If you ask my honest opinion, the best time yahan par aane ka na would be early mornings because yahan par crowd bahut kam hoga and you will get this beautiful weather as well. But if you come here in the evening to aap yahan par 6:30 baje ke baad mein aana, 6:30 ke baad mein, so that you get to see this place under lights and it looks even more beautiful. Maine expect nahi kiya tha ki this place would look so beautiful in the night, but it is. So, point number 9 is Grand Central Park under lights. And यहाँ शाम का नजारा कुछ ऐसा होता है. पॉइंट नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. पार्क खुलकर अब तक एक महीना नहीं हुआ है और ये देखो यहाँ के इस अट्रैक्शन को ऑलरेडी लोगों ने तोड़ दिया है. अब क्या ही बोले, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशंस के साथ हमें खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. एक अच्छी बात, ग्रैंड सेंट्रल पार्क में आउटसाइड फूड एंड ईटेबल स्ट्रिक्टली बैंड है. आप पार्क के अंदर खाने की कोई भी चीज लेकर नहीं आ सकते. प्लास्टिक के डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स भी अलाउड नहीं है. पानी पीने के लिए यू कैन गेट योर ओन रियूजेबल वाले बॉटल्स एंड पार्क में जगह जगह पर वाटर स्टेशन लगे हैं जहाँ यू कैन रिफिल योर बॉटल्स. देर आर नीट एंड क्लीन बाथरूम्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, सो प्लीज इन्हें सही से यूज करें. इफ हमारे लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पार्क बना है तो उसे उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रखने की जिम्मेदारी हमारी है, राइट? लाइक यू कैन सी द लाइटिंग ओवर हियर नाउ इज ब्यूटीफुल एंड द पार्क इज डेफिनेटली वर्थ इट फॉर सच अ स्मॉल अमाउंट. इतनी छोटी सी अमाउंट 20 रुपीज के लिए आप आके अपना इवनिंग या मॉर्निंग यहाँ डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हो. फॉर मुंबईकर्स टू कम सो फार इज अ लिटिल टीडियस बट इट इज डेफिनेटली वर्थ कमिंग हियर वंस. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ सो दैट यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस दिस प्लेस. दिस इज मी नॉट योर नवीन. आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. चाओ.